भाई जो महेश का दूध दो रहे, कितने लीटर देती है महेश? 4 लीटर। 4 लीटर देती। तो देखिए दोस्तों, लात तो नहीं मारेंगे ना? होगा। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा पी के बताएंगे हम तो। पीने को दी जो गरम गरम दूध है, ये देखिए पहले दूध देख ले। ये साबिर भाई साइकिल चला रहे, हमेशा साइकिल से आते आते दूध धोने है क्या? नहीं साबिर भाई, हमेशा साइकिल गाड़ी नहीं चलाते तुम? तो साइकिल पे लेके आते दूध। गाड़ी आती नहीं क्या? ऐसा पहला इंसान देख रहा हूँ आप, क्या गाड़ी नहीं आती भाई को? नहीं गाड़ी नहीं सीखे तुमने? क्यों? अच्छा आपको अगर पता है ऐसा कोई, अभी के दौर में 2023 में ऐसा कोई बंदा है जिसने गाड़ी चलाना नहीं आती, तो एक हमारे साबिर भाई, आप एक कमेंट में, आप कमेंट में बता सकते है, है ना? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, आज आपको आलाप के तरफ जो भाई के खेत है, तो ये मैसे भी आपको नजर आ रही है इस तरफ, मैसे जो इस तरफ देखिए हमारे रिजु भाई, सगीर भाई, आरिफ भाई, तो दूध कैसा धोते हैं ये भी बताएंगे, वो भी आपने देखी है। और जो सीताफल है इस तरफ, सीताफल भी हमने बहुत सारे सीताफल खाए, जो बिन मौसम सीताफल आए झाड़ को। महेश का दूध दो रहे भाई, तो वो भी बताते हैं आपको। भाई जो महेश का दूध दो रहे, कितने लीटर देती है महेश? 4 लीटर। 4 लीटर देती। तो देखिए दोस्तों, लात तो नहीं मारेंगे ना? होगा। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा पी के बताएंगे हम तो। पीने को देंगे कि नहीं थोड़ा बहुत? तो दोस्तों अभी पीने को दे रहे, उनका लड़का भी है यहाँ, ये देखिए इस तरफ। तो अभी देखते हैं, अभी तो देखते हैं, अभी पी के फिर उस तरफ तालाब है और चारा दाड़ा, ये हरा हरा चारा खा के आरिफ भाई बड़े सफेद दूध दे रही है ना? क्या दे? तो ये हरा चारा खा के सफेद दूध दे रही, तो उसका टेस्ट देखिए हम। थोड़ा सा दूध दो भाई। ये तेरे नाम है ये, देख रहे तेरे नाम, बाल कटिंग है इसके, सिंह ऐसे बने हुए। कितना देती दूध तबियत की? शायद मग्गा। तो दोस्तों हम दूध पी रहे, क्या क्या इसका नाम धूम थ्री है। अच्छा, शाम में 15 देती है और सवेरे 15 देती है। सफेद दूध दे रही है भाई। बस 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 थोड़ा ही दो, देखो दिल थोड़ा ही बस। तो माशाल्लाह ये दूध पीने को ताजा ताजा दूध है महेश इसका। तो अब देखते तुम पीते नहीं बच्चों? तो माशाल्लाह फिर पीते तो ऐसा दिख, क्यों ऐसा क्यों दिख रहा फिर पी रहा? तो दूध पसता नहीं क्या उसको? तो अभी देखिए, अभी इनकी मैं ज्यादा पेट दे रही है और बच्चे पी रहे ना, तो उनको टॉयलेट हो जा रहा मेरे भाई। तो दोस्तों ये आरिफ भाई जरा बताओ, हम दूध पीते होगा थोड़ा सा? तो माशाल्लाह अभी देखिए जो गरम गरम दूध है, ये देखिए पहले दूध देख ले। ये आरिफ भाई दूध पी रहे है तालाब के अंदर, रोप भाई के बाड़े पे। तुम पीएंगे क्या? नहीं नहीं, आप पिए। दूध कैसा, दूध कैसा लगा आरिफ भाई? ओरिजिनल दूध है। अच्छा लगा क्या? माशाल्लाह पूरा पी लिए। चल दो। आरिफ भाई के पास गाड़ी गिर चुकी है और कॉमेडी हो गई है। गाड़ी गिर गई थी पर सभी ने पकड़ लिया, दूध की ताकत से पकड़े नहीं, देखा थोड़ा बच्चे हुआ। ये दूध बहुत विटामिन है मेरे भाइयों, रोप बे की महेश के दूध में। ये धूम तिरी है, ये तेरे नाम है, और ये इधर देखो दो टार्जन खड़ी है, ये टार्जन है मेरे भाई हो। इंजॉय करे हमने जो उस तरफ बाड़े पे सामने नजर आ रहा है, भाई का बाड़ा है, तो उसके तरफ बाड़े पे हमने इंजॉय करे, दूध भी पिए माशाल्लाह बहुत इंजॉय करे। तो हमारे शकीर भाई ने सीताफल। तो अभी मगरिब का टाइम आ गया है ना रिज्जू भाई, मगरिब का टाइम आ गया, और कल फिर से बताएंगे नई जगह, बताएंगे नया अपडेट आपको हम अपलोड करेंगे अजंता न्यूज पे। एक भी नहीं है, कच्चे। चलो निकलो फिर चलते हैं दोस्तों इस तरफ। तो ये रास्ता दूसरा है, जो दूसरा साइड से आए हम तालाब पे, उस तरफ से शूना रोड से जो आपको हम आए हैवे से, ये दूसरी तरफ रास्ता जाता है। देख रही इधर औरंगाबाद हाईवे है, जो वो पांधी भी आपको बताएंगे, पांधी का वीडियो भी हमने बनाए हुए, वो एक एक करके 2022 का वो भी आपके लिए अपलोड करेंगे भाई। इस तरीके के रास्तों से गुजरते है, तो रास्ते बनना चाहिए खेतों में, दम से न तो डूब जाएंगे। ये रास्ता है दोस्तों आपको हम बता रहे, तो अभी 7:08 हो रहे हैं। देखिए इस तरफ, तो इसी तरीके के रास्तों से गुजरना पड़ता है। औरंगाबाद हाईवे थोड़ी दूर, औरंगाबाद हाईवे इस तरफ से भी तालाब पे जाने का रास्ता है, और शूना रोड से भी तालाब पे जाने का रास्ता है।
तो किस तरीके से रास्तों से गुजरना पड़ता है और मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो जितने भी वीडियो वाटरफॉल है, अजंता वाटरफॉल, जितने भी अजंता के एरिया में जो जितने भी वाटरफॉल है, इस तरह के रास्ते, ये देखिए, इसका भी हमने 2022 में जो वीडियो बनाए हुए वो भी आपके लिए अपलोड करेंगे हम। ये देखिए रास्ते, तो ये भी एक रास्ता है तालाब पे जाने के लिए। तो इस तरीके के रास्ते रहते हैं दोस्तों, आपके लिए हम बनाते रहते हैं वीडियो, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। अभी मगरिब का टाइम है, कोई जानवर भी आ सकता है, जंगली जानवर, आवाज करते चलना पड़ता है जंगल में से। तो ये रास्ते जाने दम से भाई, तो डायरेक्ट औरंगाबाद हाईवे पे आएंगे रास्ते पे जाने का। ये थोड़ा हार्ड रास्ता है, उधर से आ पाएंगे तालाब पे, तो अच्छा रास्ता है। तो अभी हमारे रिज्जू भाई भी आ रहे हैं पीछे, देखिए रिज्जू भाई आ रहे हैं। तो ये थोड़ी दूर है वे, तो ये पांडी का रास्ता है दोस्तों, और थोड़ी दूर बाकी है वे जो हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए लाइट दिख रहा उधर पास आगे दोस्तों, ये सामने नजर आ रहा है। तो इस तरफ अगर जाएंगे तब औरंगाबाद है इस तरफ, और इस तरफ जाएंगे तो आपको अजंता लगिया और जलगांव हाईवे, औरंगाबाद जलगांव हाईवे, ये जो सामने नजर आ रहा है आपको। तो हमारे रिजवान भाई भी आगे देखिए, ये साबिर भाई साइकिल चला रहे हैं, हमेशा साइकिल से आते आते दूध धोने है क्या? नहीं साबिर भाई हमेशा साइकिल गाड़ी नहीं चलाते तुम, तो साइकिल पे लेके आते दूध, गाड़ी आती नहीं क्या? ऐसा पहला इंसान देख रहा हूँ मैं, आप क्या गाड़ी नहीं आती भाई को? नहीं गाड़ी नहीं सीखे तुमने? क्यों? अच्छा आपको अगर पता है ऐसा कोई, अभी के दौर में 2023 में ऐसा कोई बंदा है जिसने गाड़ी चलाना नहीं आती, तो एक हमारे साबिर भाई, आप एक कमेंट में, आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना? तो ये हमारे साबिर भाई जो शेतकरी भाई है जो दूध धोके ला रहे हैं अभी, तो चलते हैं। महस का है क्या गाय का? महस का अभी हमने वहां भी दूध पिया आपने देखे, तो चलते हैं दोस्तों। अभी बारिश का मौसम बने हुआ है, ये आपको सामने हाईवे। तो हम आ चुके हैं अजंता में, जो करीब आ चुके हैं वागुर नदी गेट के पास। तो वागुर नदी के गेट का भी काम, रिपेयरिंग का बाकी है, ये रोड का भी काम बाकी है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जिस तरीके से रोड नहीं बना रही है गवर्नमेंट। ये पेट्रोल पंप के पास सभी बच्चे बैठे हुए हमारे, तो देखिए इस तरफ का नजारा जो दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई कि आपने बड़े हिसाब से, बड़े आराम से गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए वीडियो बनाते हैं। और ये वागुर नदी ब्रिज है, ये ब्रिज का भी काम जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि अभी काम रुक गया है। देखिए काम यहाँ का जो रुक गया है, अभी नया ब्रिज बन रहा, तो इसका भी काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और ये ब्रिज का जो बहुत हार्ड रास्ता है, डबल गाड़ी पास नहीं होती इस पे से। तो ये देखिए ब्रिज जो सामने बन रहा है अभी, तो बड़े हिसाब से, बड़े आराम से चलना चाहिए।